दादा, आप जब इंडस्ट्री में आए, कुमार शानू जी बहुत गाने गा रहे थे, आप दोनों की आवाज किशोर कुमार जी से बहुत मिलती थी, अपनी जगह बनाना कितना डिफिकल्ट था? जब किशोरदा थे तब मैंने उनके साथ डुएट गाना गाया था, किशोरदा ने देवानंद साहब के लिए गाया था और उनके बेटे सुनील आनंद के लिए मैंने गाया था, सो डिफरेंट तो था ही। जहाँ पे मुझे सक्सेस नहीं चाहिए था तो वहाँ पे भी मुझे फेल किया गया। जैसे कल्याण जैन जी, उनके बहुत शोज होते थे, जब मैं उनके पास गया, किशोरदा के गाने उनको सुनाता था कि शोज में अगर मुझे आप किशोर कुमार के गाने के लिए रख लीजिए। भूपेंद्र जी का गाना गाता था, एक अकेला इस शहर में, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मुकेश जी के गाने गाता था, रफी साहब के गाने गाता था, ये मेरी सिंगिंग से बहुत इम्प्रेस होते थे, कभी भी मेरे किशोर कुमार के गाने से इम्प्रेस नहीं होते थे। हर जगह रिजेक्ट किया गया यही कह के हमको किशोर कुमार की कॉपी चाहिए हमारे शोज में। सो यू आर ए गुड सिंगर बट यू आर नॉट ए कॉपी ऑफ किशोर कुमार। कुछ पल जिंदगी के खुशी होती थी और दुख भी होता, दुख इसलिए होता था कि दो पैसे मिल जाते तो मैं चंद दिन और मेरे गुजर जाते, थोड़ा सा रहना खाना पीना, स्ट्रगल डेज था, एक भी शो मिलता है तो 15-20 दिन का खर्चा निकल आता, ये सोच के मैं करता था। उस हिसाब से तो आई वॉज टोटली फेल्ड एंड रिजेक्टेड। अगर कोई मुझे बोले कि किशोर कुमार के से आपकी मिलती है तो जैसे गुरु होते ना, जब आप ग्वालियर घराने से सीखेंगे, पटियाला घराने से सीखेंगे, 100 साल बाद भी उस घराने के लिए जो लोग गाते हैं तो आपको सबकी गायकी में वो झलक नजर आएगी आएगी, तो वो घराना हो गया। ओपनली कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी घराने का हूँ तो वो है किशोर कुमार घराना। मुझे किसी उस्ताद जी से गाना सीखने से बेटर मुझे ऐसा लगा कि किशोर कुमार से मैं सीखूं, क्योंकि फाइनली मुझे वही डिलीवर करना है जो वो लोग गा रहे हैं। किशोर कुमार की वॉइस हमेशा एक बहुत मैच्योर्ड और भारी आवाज थी। मैंने उसमें बदलाव अपनी सिंगिंग में यही किया कि मैं भारी और मैच्योर्ड वॉइस को कॉपी नहीं करता था उनके, मैंने हमेशा उसको थोड़ा सा यूथ पे ज्यादा कंसंट्रेशन किया, यंग वॉइस पे। किशोर कुमार के गाने गाता भी हूँ अगर स्टेज पे भी तो मैं उसमें थोड़ा सा हल्कापन देख के गाता हूँ। सबकी जिंदगी में वो एक दौर आता है जब एक रुकावट आ जाती है, एक जो ट्रेन है वो धीरे धीरे चलनी शुरू होती है, चाहे दुनिया से कितना भी फाइट करे उससे ज्यादा फाइट आप खुद से लड़ते हैं, इसलिए मैं इस मामले में बिल्कुल अनूठा हूँ। जब म्यूजिक का एक खराब दौर चल रहा है, बेसुरा दौर या अनम्यूजिकल दौर चल रहा है, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी सेल्फिश। सबको सुनाई पड़ रहा है कि बेसुरा है, कहीं ना कहीं कहाँ से गाया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही बेतुका लिरिक्स, अजीब सा सॉन्ग। डेफिनेटली जो रेनाउंड और अच्छे म्यूजिक एक्टर्स हैं वो लोग गाने को नहीं बनाते, किसी और से बनवा लिया जाता है। इस तरह का काम अगर नहीं होगा तो कैसे लोग समझेंगे कि हमारे और इसमें फर्क क्या है। बेबुनियादी जो संगीत चल रहा है, खैर उसको संगीत बोलना छोड़ दीजिए, हमारा स्ट्रगल काम के साथ नहीं है कि हम फिल्मों में नहीं गा रहे, थैंक गॉड जो हम फिल्मों में नहीं गा रहे। सोचिए मैं हूं ना या रोशनी से भरे भरे, चलते चलते या यस बॉस के गाने गाने वाला, वो सिंगर आज के इस दौर की सिंगिंग के साथ गाता होता तो मेरी इज्जत कम हो जाती, लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन भगवान ना करे कि कभी मजबूरी में मैं ऐसा गाना गाऊं वो जो लेजेंड जो मेरे नाम के आगे लग गया है वो फट से हट जाएगा। स्ट्रगल तो अब है ही नहीं, क्योंकि हम उस रैंक के सिंगर हैं, हम ईमानदार हैं, हमारे अंदर क्वालिटी है, हम खराब चीज के साथ जूझ नहीं सकते, हमारे अंदर सब कुछ है जो एक हर बच्चा चाहता बड़े होके इस तरह का सिंगर बने। म्यूजिक का दौर खराब है तो मैं हैप्पी, किसी चीज से कोई डर नहीं है, किसी चीज से कोई दुख नहीं है, यू नो हाउ हैप्पी गो लकी आई एम। एक शख्स है जिन्होंने अभिजीत जी को शुरू से गवाया है और आज भी वो सोए हुए अभिजीत को दोबारा जगाना चाहते हैं। कौन है वो, जानेंगे कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी की मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। कुछ पन्ने जिंदगी के